चार राज्यों में कमल का फूल खिलाने के बाद अब हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत के लिए बीजेपी ने ताकत झोंक दी है। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने चुनावी शंखनाद कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के शिमला पहुंचने के बाद तकरीबन 15,000 कार्यकर्ताओं ने उनका ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर सीएम जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे। बीजेपी कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह भी दिखा। जेपी नड्डा ने शिमला में रोड शो कर हिमाचल में चुनावी शंखनाद कर दिया है। अनाडेल से पीटर हाफ तक नड्डा का ये रोड शो शानदार रहा। जेपी नड्डा विधानसभा से पीटर हाफ तक ओपन जीप में गए। रोड शो के कार्यक्रम में जेपी नड्डा हिमाचल के पारंपरिक वेशभूषा में दिखे। आपको बता दें कि चार राज्यों में जीत के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहली बार हिमाचल प्रदेश पहुंचे हैं। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि जयराम शरीफ आदमी हैं, बोलने में कम और काम करने में ज़्यादा ध्यान रखते हैं। मैं और अनुराग ठाकुर जयराम ठाकुर के वकील बनकर भारत सरकार में हमेशा खड़े रहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब हिमाचल और गुजरात की अब बारी है। हमें मेजॉरिटी तो मिली, लेकिन मिलने के साथ साथ वहां भी भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार तीसरी बार सरकार बनाई, हैट्रिक बनाया है, यह परिस्थिति आकर के खड़ी। इसलिए मित्रों, ये चुनाव बहुत हमको उत्साहित भी करते हैं और नतीजे भी बताते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये मोदी जी के नीतियों को, मोदी जी के कार्यक्रमों को, मोदी जी के द्वारा चलाए जा रहे गरीब वंचित पीड़ित शोषित उनको जो मुख्य धारा में महिलाओं को लाने का कार्यक्रम किया है, उस पर भारत की जनता ने और प्रदेशों की जनता ने मुहर लगाई है, इस बात को हमको याद रखना चाहिए। और इसलिए हम कहते हैं उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, मणिपुर में, गोवा में सरकार हमारी है और अब हिमाचल और गुजरात की बारी है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का जंगे ऐलान हो चुका है। सत्तारूढ़ बीजेपी पूरी कोशिश से सत्ता पर दोबारा काबिज होना चाहेगी, जिसके लिए बीजेपी ने प्लान भी तैयार कर लिया है। जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं से सीएम जयराम ठाकुर के कामों को जनता के बीच तक पहुंचाने की अपील की। उन्होंने कहा कि हमें जनता के बीच जाकर सरकार के कामों को गिनाना चाहिए, क्योंकि राज्य में जयराम ठाकुर ने जल जीवन मिशन के तहत 8,40,000 लोगों को पानी का कनेक्शन दिया। जयराम सरकार ने इतना बेहतरीन काम किया कि लोगों तक ये जानकारी पहुंचाए, ये हिमाचल बदल रहा है। एक बात तो तय है कि हिमाचल प्रदेश के लिए बीजेपी ने चुनावी प्रचार का आगाज कर दिया और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के चेहरे पर ही एक बार फिर से बीजेपी चुनाव लड़ेगी। लेकिन हिमाचल में बीजेपी के लिए ये राह इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि 68 विधानसभा सीटों वाले इस राज्य में 44 सीटों पर बीजेपी, 21 सीटों पर कांग्रेस और 3 सीटों पर निर्दलीय का कब्जा है। इसका मतलब विपक्ष 14 सीटों से पीछे रह गई थी और सरकार नहीं बना पाई। लेकिन इस विधानसभा चुनाव में कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।